वाह कितना यमी खाना था, खाने का नशा हो गया, अब नींद आ रही है। मैंने खाया खाना, मिस अरोरा मांजेगी बर्तन। ये खाना कहाँ गया? अपने सही जगह पे। ये मेरा खाना था। देखो दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अब इनफैक्ट अभी अभी तुमने कहा ना कि घर में सामान है, भगवान ने दो हाथ दिए, खाओ और बनाओ, बनाओ और फिर खाओ फिर पकाओ। ये आपने सही नहीं किया। देखो तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन अच्छा खाना खाने के बाद ना नींद बहुत आती है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने, कल सुबह ऑफिस भी तो जाना है। गुड नाइट। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्या ये बिना बताए कहाँ चली गई और उसका मोबाइल क्यों नहीं लग रहा? कहीं जानबूझ के ऑफर तो नहीं कर दिया ताकि मैं उसे फोन ना कर सकूं। एक मिनट, कहीं राज भैया के साथ मिलकर अकेले प्लानिंग तो नहीं कर रही? मुझे इसलिए नहीं ले गई ताकि मुझे उनके प्लानिंग के बारे में पता ना चले। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं करेगी वो, तो फिर गई कहाँ? लॉर्ड तनु यार एक ग्लास पानी ले आओ ना प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा क्या करके आई हो जो तुम थक गई हो? कुछ इम्पोर्टेंट काम था वो कर आई हूँ इसलिए थक गई। अरे मैं आजकल देख रही हूँ तुम ना मुझसे बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी हो। एक्सक्यूज मी, मैंने कौन सा झूठ बोला तुमसे? झूठ नहीं बोला तो तुम कहाँ गई थी, फोन क्यों बंद कर और मुझे फोन क्यों नहीं किया तुमने? What is wrong with you? तुम एक टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? अब मैं क्यों तुम्हें बताने लगी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, किस वक्त? अब क्या मुझे हर मिनट हर सेकंड की तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी अपनी? हाँ क्योंकि पहले तुम बताती थी मुझे लेकिन आज नहीं बताना चाहती, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए गई। मैं नहीं चाहती थी कि उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं और मेरा वो काम खराब हो जाए। ऐसा कौन सा काम था जो मुझे बताने से खराब हो जाता? ओ गुड लॉर्ड तुम ना ये वाओ, तुमने चुरा ली? नहीं एलियन ने चुराई। ऑफ कोर्स मैंने चुराई और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैंने कितनी मुश्किल से ये चुराई था। इतनी मेहनत करनी पड़ी लेकिन मैंने इसे चुरा ही लिया। भाई की स्क्रैच म्यूजिक की सीडी। मतलब कल हमें पैसे मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। ओह माय गॉड थैंक यू सो मच अली। सॉरी मैंने तुमसे इस तरीके से बात की। ओके फाइन कम से कम पानी तो पिला दो यार, प्यास लग रही है मुझे। कितनी पानी क्या, मैं तो फिर जूस पिला दू। मुझे भी सो केयरलेस। वेट अ मिनट हाउ डेयर यू कॉल मी केयरलेस। भाई को लेकर सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मैं सोचती हूँ। एटलीस्ट तुमसे तो बेटर हूँ ना, कोई दिखावा तो नहीं करती, जैसी हूँ वैसी हूँ। नाउ लुक एट यू, एटलीस्ट यू आर बैक टू व्हाट यू आर। इसलिए बोलने से पहले दो बार सोच लिया करो। ये कौन सा नया नाटक कर रही है आलिया? ऐसी सिचुएशन में जितना ज्यादा बोलेगी उतना ज्यादा फंसेगी। एंड भाई इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ हो, मैं कभी भी आपके करियर, आपके म्यूजिक और आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, फिर चाहे कोई मुझे केयरलेस समझे या कुछ और। आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू और मैंने वो सीढ़ी बहुत ही संभाल कर रखी है। I'll just get it. सीढ़ी यही है, मतलब सीढ़ी इसने चुराई नहीं। अरे तो मैं सोचू बिना मेरे कंफर्म किए इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती। ये लीजिए भाई आपकी सीढ़ी जो मैंने संभाल कर रखी थी। I'm sorry, Alia. Okay, सीडी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, इसलिए शायद सीडी को लेकर मैं थोड़ा रूड हो गया था, बट आई अपोलोजाइज। आई विश आई कुड से कि आई एम नॉट हर्ट बट यस मैनेजर। यस सर। ये सीडी जाकर लैब में देना और लैब वाले से कहना कि स्टूडियो रेडी रखे, मैं आकर अपना फाइल मिक्स करूंगा। सॉरी सर, स्टूडियो स्टाफ तो हॉलीडे पे है और वो पता नहीं कब आएंगे। ऑलराइट ओके। तो इसका मतलब कुछ दिनों तक मैं इस सीडी का फाइनल मिक्स नहीं कर पाऊंगा, सो
अरे तुम एक काम करो, तुम्हें सीडी को अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमसे ज्यादा ख्याल इस सीडी का कोई नहीं रख सकता। ऑलराइट? ओह दैट मींस आई एम फ्री नाउ। कोई काम? नॉट एट ऑल। कुछ नहीं, एनीथिंग? नथिंग। नो, आई एम आ रहा है लेटर। हां, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? हम जो मर्जी कर रहे हैं, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ। और हाँ, दीदी ने बोला है कि घर के हर मेंबर की एक्टिविटी के ऊपर नजर रखना है, ठीक है? और कोई भी कुछ इधर उधर करता है तो आप लोगों की रिपोर्ट सीधा उनको दो, समझ आया? और हाँ, रात का खाना थोड़ा टाइम से बन जाना चाहिए, वरना दी को तो खाना मिल ही जाएगा लेकिन आप लोगों को भूखा सोना पड़ेगा। मन तो करता है सबसे पहले इसी का ही खून कर दो। तुम लोग जरा इधर आना। क्या बात कर रहे थे तुम लोग अभी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, नथिंग इम्पोर्टेंट, गर्ल्स टॉक। देखो, अगर तुम लोग मुझे बिना बताए फिर से कोई स्टूपिड प्लान बना रहे हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों की बेवकूफियों का खामियाजा मैं नहीं भुगतने वाला। हम ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहे राज भैया। वो तुम अभी बोल रही हो, फिर बाद में रोते वक्त मेरे पास आओगी तब मैं कोई भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। और अभी कौन सी हेल्प कर रहे हैं आप हमारे यहाँ? और ये जो फ्रस्ट्रेशन आप हम पर उतार रहे हैं ना, सिर्फ एक ही चीज सामने आती है कि आप हमसे नहीं बल्कि खुद से गुस्सा है, वो भी इसलिए क्योंकि आप खुद भी अब तक उस प्रज्ञा का कुछ भी नहीं कर पाए। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना राज भैया, तो मुझे लगता है भी है कि आप कुछ कर भी पाएंगे। ये जो एटीट्यूड थ्रो करते हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। हर वक्त बोलते हैं पेशेंस रखो, ये करो वो करो, इट्स नॉट गोना हेल्प। इनफैक्ट आप अपने काम पर क्यों फोकस नहीं करते? कॉन्सेंट्रेट ऑन द लीगैलिटीज, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, और मुझे तो लगता है कि हमारा कुछ भी हमें वापस मिलने ही नहीं वाला। ये जो तुम लोगों को हर चीज की जल्दी होती है ना, यही वजह है कि हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए। अगर प्रज्ञा जैसी एक पार्टनर मेरे साथ होती ना, तो अभी तक सारा काम हो चुका होता। धीरे चल रहा हूँ लेकिन सही दिशा में जा रहा हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना कि कछुआ हमेशा धीरे चलता है लेकिन लास्ट में जीतता वही है। अभी वक्त है, बता दो क्या प्लान कर रहे हो, वरना बाद में भुगतोगे। मैं हेल्प करने वाला नहीं हूं, जो करोगे वही पाओगे। इन सब ने हमें समझ क्या रखा है? जो आता है कुछ भी आके सुना के चला जाता है। तो डरी गई, हुआ क्या है? दादी, वो आज ऑफिस में आलिया की चूड़ी पकड़ी नहीं गई। मुझे लगा था कि उसने सीढ़ी चुरा ली होगी, लेकिन उसने चुराई नहीं। ये मुझे लगता है ये भी उसकी प्लानिंग हो सकती है। You know, Alia is very smart. You can't really trust her. तो एक काम कर, वो प्रोड्यूसर है ना, उसकी सेक्रेटरी बन के आलिया से बात कर और पता कर कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। दादी, मैंने जब उसे लास्ट टाइम फोन किया था तो उसने मुझसे कहा कि वो इनके लेटेस्ट गाने का वेट कर रही है, जबकि इनके लेटेस्ट गाने का स्क्रैच तो ये बना चुके हैं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो झूठ क्यों बोल रही है। मुझे लगता है तुझे उसे फोन नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट आज के रात तो, क्योंकि अगर हम उसे आज फोन करेंगे तो वो अपना प्लान करेगी। इसलिए बेटर ये होगा कि कल सुबह हम आलिया से बात करें। हम उसे ये भी बोल सकते हैं कि अगर उसने कल स्क्रैच म्यूजिक हमें नहीं दिया और अगर वो इतना ही टाइम लेगी तो हम किसी और सिंगर से स्क्रैच बना लेंगे। एंड आई नो आलिया, वो बहुत ही इनसिक्योर हो जाएगी और आई एम श्योर उस पर वो कुछ रिवर्ट जरूर करेगी। सही, बिल्कुल सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, हमें अभी उसको फोन नहीं करना चाहिए, पहले पता करें उसने भाभी चल क्या रहा है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।